तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का सेटअप एकदम तबाही है। हम लोग जा रहे हैं अपना सेटअप लेके शक्ति साइड। बारात के लिए सेटअप है ये, पीछे देख सकते हो क्या ही लग रहा है सेटअप, एकदम माल टाइप। क्या माल है यार। तो इस सेटअप में हम लोग 10 बेस और 12 सारपी लगाए हैं। आज पहली बार हम लोग बारात के लिए ऐसा सेटअप रेडी किए हैं। थोड़ा ज्यादा बाहर निकला हुआ है बेस आज। ये रहा सेटअप, देख सकते हो बेस को लिटा कर रखे हैं ताकि हाइट थोड़ा कम हो जाए। आज मजा आने वाला है, बारात में पूरा माहौल बना देंगे। तो चलो अब साउंड टेस्ट कर लेते हैं। छोटू आज एक महीने के बाद नहाया है, इसलिए देख सकते हो डीजी वही चालू करेगा। तो चलो हेडफोन लगा लो, सिर्फ दो गाने में साउंड चेक करेंगे। चलो भाई देखो अपने क्या कर। तो दोस्तों साउंड चेक तो हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं रास्ते में। तो हम लोग को रास्ते में देखते हुए जाना पड़ रहा है कि कहीं चेकिंग तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पिछले व्लॉग में आरटीओ वालों ने रोका था। तो ज्योतिष बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा है, देख सकते हो। फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर 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 घर। तो आज का सेटअप हम लोग को दो जगह लेके जाना है। पहले रामपुर साइड जाएंगे निकासी के लिए, फिर जाएंगे शक्ति में सकरेली गांव में बारात के लिए। और पिछला व्लॉग नहीं देखे होगे तो जाओ देखो और वीडियो को लाइक करो। 1500 लाइक होने के बाद ही मैं अपने सेटअप का टूर व्लॉग बनाने वाला हूँ, और हो सकता है ये वीडियो के बाद अभी और वीडियो न डालू। क्या क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है मार्च से, तो एग्जाम खत्म होने के बाद व्लॉग बनेगा, क्योंकि अभी काम में जाना बंद करूंगा एग्जाम खत्म होने तक। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में बताओ मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ खुद? नहीं तुम खुद दे। मैं ये नहीं कहता। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग देखो ना फैशन। और यहाँ पर देखो गूगल मैप के सहारे आने का नतीजा कहाँ पहुँच गए हैं हम लोग, देख सकते हो। एक साइड खाई तो एक साइड तालाब। तीन हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलन की ओर जा रहा था, और दोनों तरफ से खाई सड़क पे चलने वाले प्यारे शूट बांध के चलते मालूम है? नहीं क्यों क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना वो तीन दिन बाद पहुंचता है। ये देखो सामने गड्ढा अलग है, यहाँ से गिरे तो सीधा सेटअप के साथ नहा कर निकलेंगे। 2000 years later. तो बहुत भटकने के बाद आखिरकार हम लोग को मिल चुका है सही रास्ता, बस पहुंचने वाले हैं हम लोग वहाँ। तो यहाँ पहुंचने के बाद देख सकते हो भीड़, यहाँ भी साउंड टेस्ट करेंगे, दो चार गाना चलाने के बाद जाएंगे शक्ति। भैया देखो सनलाइट, मूनलाइट, चांद, गुलकंद, रौनक, नूर और अनार का रस, मतलब सब बसता है मेरे चेहरे के अंदर। तो दोस्तों वहां बजाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं शक्ति के लिए, देख सकते हो। ऐसा लग रहा है काम में नहीं ट्रिप में आए हैं घूमने के लिए, और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ में चढ़ रहे हैं, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और यहाँ देख सकते हो क्या ही नजारा है, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। और हम लोग को अभी वो नीचे दिख रहा है जो रोड, उसमें जाना है। तो दोस्तों बहुत अच्छे ट्रिप के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में, सकरेली गांव में। यहीं से स्टार्ट होगा बारात। यहाँ देख सकते हो अपना जगह बना रहे हैं लोग ऑपरेटिंग करने के लिए। और अभी हम लोग को लाइट को चेक करना बाकी है, एक बार भी चेक नहीं हुआ है वो। तो चलो लाइट को करते हैं चेक। दोस्तों लाइट और साउंड दोनों चेक कर रहे हैं हम लोग अभी। मैं थोड़ा दूर से सुनने आया था कैसा आ रहा है साउंड करके। तो चलो साउंड टेस्ट सुनो।
तो चलो अब माहौल का मजा लो, बोला था ना मजा आएगा, तो चलो अब देखो हमारे सेटअप का कमाल। आइए देखते हैं मजा आएगा।
तो दोस्तों अभी देख सकते हो मेरे को लाइट के सामने खड़ा हुआ हूँ। इतना ज्यादा भीड़ हो गया था कि सब लाइट में घुस जा रहे थे, तो मेरे को यहाँ पास रहना पड़ रहा है बहुत टाइम तक। लाइट को नीचे लगाओ तो यही दिक्कत होती है, नाचते नाचते घुस जाते हैं ये लोग। और दो चार लोग तो ऐसे थे कि घूमते हुए लाइट को हाथ से पकड़ रहे थे, इसलिए यहाँ खड़ा हूँ और साथ साथ गाने का भी मजा ले रहा हूँ। और आपके सेटअप में भी ऐसा होता है तो क्या करते हो आप लोग कमेंट में बताओ। तो दोस्तों काम हो चुका है खत्म, सेटअप बंद हो चुका है देख सकते हो। निकलने से पहले सामान को हम लोग अच्छे से जमा रहे हैं वापस से। तो कैसा था माहौल कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक कर दो। तो जैसा कि मैंने बोला था ये लास्ट व्लॉग हो सकता है, इसके बाद काफी टाइम में आएगा नेक्स्ट व्लॉग, तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, पता नहीं कब। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। मेरा मतलब है एग्जाम खत्म होने के बाद। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग रुके हुए हैं एक ढाबा में खाना खाने के लिए। खाना पीना भी तो जरूरी है, खाना तो जरूरी है, पीने का पता नहीं। ये रहा सेटअप, चलो अब मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। फर्क तो है ब्रो, लोग बातें बना रहे हैं और मैं फ्यूचर। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।